लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और बदमाश और पुलिस के बीच अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस अंधाधुंध फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लग चुकी है और पुलिस का एक सिपाही भी घायल होता हुआ नजर आ रहा है। दिखाते हैं लखनऊ से बड़ी खास खबर, लखनऊ से बड़ी सनसनीखेज खबर। पुलिस और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़, चिनहट के मलौर रेलवे स्टेशन के पास देर रात हुई है मुठभेड़। डीसीपी पुरी की क्राइम टीम और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस पार्टी पर की अंधाधुंध फायरिंग। फायरिंग से कांस्टेबल रिंकू नाम का सिपाही घायल हुआ। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, घायल रुबिल और आलम और अलीम समेत गिरफ्तार हुए। पांच बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से अधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। कुल आठ बदमाशों की सूचना डीसीपी की क्राइम टीम को रेलवे ट्रैक के पास घूमते हुए मिली। यूपी, एमपी और दिल्ली में दर्ज डकैती की घटनाएं कबूल की गई। रेलवे ट्रैक के ऊपर से आते हुए दिखे और वो हथियारों से लैस थे। उनको रोकने को कहा गया तलाशी हेतु, परंतु उनने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी और अंधेरे के आड़ में जो है करीब उनमें से कई लोग भागने में सफल हुए। तीन लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें से दो चोटिल हैं जिनको अस्पताल प्राथमिक इलाज हेतु भेजा गया है और हमारी टीम में से भी एक आरक्षी को गोली लगी है, वो भी चोटिल है, उसको भी प्राथमिक इलाज हेतु सीएचसी चिन्हट भेजा गया है। सर, जो बदमाश थे उनका कोई आपराधिक इतिहास या कोई किस बड़ी किस घटना को अंजाम देने जा रहे थे जब यह मुठभेड़ हुई? देखिए, अभी अभी घटना घटित हुआ है तो हम लोग अभी तक पूछताछ करने की समय नहीं मिल पाया है, परंतु जो प्रारंभिक पूछताछ डीसीपी नॉर्थ ईस्ट और उनकी टीम द्वारा किया गया है उससे प्रतीत होता है ये बांग्लादेश से आए हुए जो डकैती डालने वाले गैंग के सदस्य हैं और इन